आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। छुपाया जा नहीं सकता, दिखाया जा नहीं सकता। ये सब दर्द है, ये ऐसा प्यार है, ये ऐसी पीड़ा है कि किसी को बताई नहीं जा सकती। न छुपाए छुपती है, न बताए बताई जाती है। प्यार में, इश्क में, मोहब्बत में, रिश्ते में, संबंधों में अगर कुछ भी खराब हो जाए तो किसको बताएं और कैसे बताएं और क्या कहें। लोग समझाने वाले दुनिया भर की बात समझाते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये दो लौंग छुपा कर रख देना, अब किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सामने होगा और तुम्हारा होगा दास। दास समझते हो ना, नौकरों को कहते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर हाल में मजबूत बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, विवाह होने में दिक्कत हो या विवाह होने के बाद दिक्कत हो, जिससे तुम चाहते हो उससे दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या कैसी भी हो, इस संदर्भ में समाधान सिर्फ लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों में ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और सक्सेस रेट 2-4-10% नहीं है, 20-50% भी नहीं। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। 100 लोग आते हैं तो उसमें से 95 से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं, ये प्रमाण है। और ये निरंतर चल रहा है, कुछ दिनों से इसे यूट्यूब इत्यादि पर भी चलाया जा रहा है और यहां पर भी ये समुदाय, ये परिवार बढ़ रहा है। अब हम लोग 9 लाख कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे परिवार में, इस समुदाय में बड़ी संख्या में लोग निरंतर जुड़ रहे हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों का कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, क्या ऐसा होता है यहाँ? यहाँ 4000 लोगों की टीम है जो आपके लिए रिसर्च कर रही है और आपके लिए काम कर रही है। यहाँ चेहरा एक है आचार्य सतीश अवस्थी, लेकिन 4000 आचार्य सतीश अवस्थी और है जो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े उपनिषद और ग्रंथ, उन पर रिसर्च होता है रोज, उस पर मनन होता है। क्या आपको बताया जाए और किस प्रकार से आपको कुछ ऐसा बताया जाए जो आप सरलता से कर सकें, अपनी दैनिक दिनचर्या करते हुए सारे काम बिना अवरोध किए हुए आप कोई बड़ा उपाय कर सकें जो सरल तरीके से हो जाए। वैसी ही आज फिर से एक चीज लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज आपको मैं साझा कर रहा हूं कि दो लौंग छुपा देने से आपका प्यार सबके सामने होगा, उसमें वो हिम्मत आएगी, वो ताकत आएगी, वो बल आएगा कि दुनिया में किसी से भी उसे छुपाने की जरूरत ना पड़े। ना अब आपको छुपाने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको छुपाने की जरूरत पड़ेगी, दोनों के दोनों सामर्थ्यवान होंगे। ना छुपाने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, ना कुछ भी हाइड करने की आवश्यकता है, ना ही ऐसा हो पाएगा दुनिया में। अब देखो, जो तुम चाहते हो, अगर तुम सच में छुपाए रखना चाहते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये वैसा ही उपाय है। छुपाना चाहते हो तो भी दो लौंग छुपा के रख दो, सबके सामने लाना चाहते हो तब भी इस दो लौंग को छुपा के रख दो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा प्यार तुमसे कितना भी दूर चला गया हो, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा नाता, तुम्हारा पति पत्नी जो भी तुमसे दूर हो, उसे हर हाल में तुम्हें पाना है, तो इसे छुपा के रख दो। ऐसा करने से आपके जीवन की वो सारी की सारी बागडोर परमात्मा फिर से खींच कर ठीक करेगा। वेद कहता है, जजने न जजनामा या जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः। वेद का बड़ा मंत्र है और ये कहता है कि आपके अपने जीवन में यज्ञ करने से भी जो नहीं मिलता, जो जो बड़े बड़े प्रमाण करने से भी नहीं मिलता, जो अत्याधिक प्रयत्न करने से भी नहीं मिलता, वो ये उपाय से मिल जाया करता है। एला लवंगा दीनी तथ्या दीनी च प्रेमकम। ये प्रेम का अद्भुत संसार है,
यहाँ वो सब मिल जाता है जो तुम चाहते हो, वो सब कुछ संपादित हो जाता है जो तुम चाहते हो, और तुम्हारे जीवन के प्रति ये ऐसा अद्भुत संयोग है जो असहजता से और सहजता से दोनों में बन जाता है। तुम जो चाहते हो, तुम जैसा चाहते हो, छुपाए रखना चाहते हो तो भी छुपा के रख दो, और सबके सामने हर हाल में आ जाए ऐसा चाहते हो उन्हें भी बताना पड़े, वो तुमको छुपाए छुपाए घूम रहे हैं, बताना ही नहीं चाहते, किसी के सामने लाना ही नहीं चाहते, और तुम चाहते हो सबके सामने आना चाहिए तो भी ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना प्यार छुपाना चाहते हो तो भी, और सबके सामने लाना चाहते हो तो भी, दोनों ही में तुम्हारी जीत होने वाली है, तुम्हारी विजय होगी। विजया विजय दात्री च चेतानंद प्रदायनी। ये भगवान को सबसे ज्यादा पसंद उपाय है, और परमात्मा की अद्भुत शक्ति इसके साथ काम करती है। यहां पर शक्ति और शिव दोनों एक साथ समाहित होते हैं और आपका अद्भुत तरीके से काम होता है। पर क्या चाहिए? भवानी शंकरो बंदे चाहिए, क्या वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर और पार्वती कौन है? कहते श्रद्धा और विश्वास की ही प्रतिमूर्ति है। दुनिया में कहीं इनकी मूर्ति जो तुमने बना रखी वो नहीं है, केवल तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास है तो भवानी शंकर है तुम्हारे अंदर। तो तुम श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारी जोड़ी 100% तुम्हारे अनुकूल बनेगी, और तुम नहीं चाहते, तुम ये सब नहीं रख पाते, केवल और केवल जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो, चलो ये भी करके देख लेते हैं, तो साहब मत करिए, नहीं होने वाला। 10 लोगों को और आप चुन रहे हैं, उनका भी प्रयास कर रहे हैं और ये भी करने वाले हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक जगह होना पड़ेगा। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जात। एक को पकड़ने से सब मिलता है और सबको पकड़ने से सब चला जाता है। हाँ, आधी छोड़ी पूरी को धावे, हाँ पूरी मिले न आधी पावे। जो व्यक्ति थोड़ा छोड़ के ज्यादा के चक्कर में पड़ता है, उसे ज्यादा भी नहीं मिलता और थोड़ा भी नहीं मिलता। पात्रता के अनुकूल किया हुआ प्रयास सार्थकता को जन्म देता है। हाँ, जीवन में प्यार सौम्यता को मिलता है, प्यार समर्पण को मिलता है, प्यार को जन्म देती है आपकी हंसी और आपकी प्रसन्नता, प्यार को जन्म देती है आपकी चंचलता, प्यार को जन्म देती है आपका बहुत आनंदित होना, प्यार को जन्म देती है तुम्हारी सौंदर्यता जो कि श्रृंगार प्रसाधन है। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम श्रृंगार है, तभी तो हम भगवान को श्रृंगारित करते हैं। हाँ, तभी तो उन्हें सुंदर बनाते हैं, तभी तो उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और दर्शन करके अद्भुत लगता है। हाँ, पीतांबर हो, बढ़िया मुरली हो, अद्भुत मोर मुकुट हो, दिव्य चंदन इत्र इत्यादि लगा हो, तो देखो कितनी सुंदर लगती है मूर्ति। भगवान शिव के, आप महाकालेश्वर के अनन्य दर्शन कीजिए, देखिए कितने सुंदर लगता है। श्रृंगार विहीन सौंदर्यता प्रेम को समाप्त करती है। जब तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हो, खराब कर रहे होते हो, अपना रूप लावण्य समाप्त कर रहे होते हो, जब अपना ध्यान नहीं रख रहे होते, खाना पीना सोना जगना सब खराब कर रहे होते हो, तो सत्य मानना तुम अपने ग्रहों में शुक्र को खराब कर रहे होते हो, फिर तुम्हें कैसे प्यार मिलेगा, कैसे तुम्हारा रिश्ता बनेगा? तुम अपनी दिनचर्या खराब कर रहे हो, रात में जग रहे हो और दिन में सो रहे हो, देर रात तक जगना और सुबह देर तक सोते रहना, ऐसा करके तुम अपना शुक्र खराब कर रहे हो और तुम्हारे जीवन से प्यार खत्म होगा। तुम किसी काम के लिए कर रहे हो तो करो ना, कौन मना करता है, पर तुम अपने प्यार को दूर होने की वजह से पता नहीं क्या 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 कर रहे हो, और रात में जगने की वजह से तुम बहुत सारे गलत काम कर रहे हो। मैंने बहुत बार मना किया है, रात्रि में 9 बजे के बाद किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ, विपरीत लिंग मतलब मेल हो तो फीमेल और फीमेल हो तो मेल, विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संवाद नहीं करना चाहिए, फोन वार्ता नहीं करनी चाहिए। जब तक
जब तक कोई बहुत आवश्यक काम ना हो। आवश्यक मतलब कौन सा? ऐसा कोई काम जो सुबह तक रुका नहीं जा सकता हो, किसी कोई बड़ी सूचना देनी है, किसी की कोई ऐसा खास इन्विटेशन है जो उसी समय देने की नीड है, जो सुबह तक नहीं रुका जा सकता है। ऐसा कोई भी काम जो सुबह तक नहीं रुका जा सकता है वही करना चाहिए केवल 9 बजे के बाद। ये सब नियम है। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं ये ऐसा काल है रात्रि में 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, ये ऐसा रति का काल है जिस सुबह आपके इंद्रियों का समूह बलवान होता है और आपसे गलत करवा देता है। आपका कार्मिक अकाउंट खराब हो जाता है, आपका मन चंचल होता है और आप किसी भी तरफ ढनंग जाते हैं भावावेश में आकर के। शास्त्र में लिखा है ये, वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं, वो बता रहा हूं। आप काम करो, कौन मना करता है? अनावश्यक काम मत करो। आवश्यक सब कुछ करो, अनावश्यक कुछ मत करो। आवश्यकता है रात भर बात करो, कौन मना करता है? अनावश्यक मत करो ना। पर ध्यान रहे तुम क्या आवश्यक कर रहे हो। माता शस्त्रा दुरित्राव ना विरिक्ता सनु भवेत, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपिकर्षति। विद्वान समपिकर्षति, इंद्रियों का समूह इतना बलवान हो जाता है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और आप तो वैसे ही मन से बहुत कमजोर हो इस टाइम पर, सावधान गलतियां ना हो जाए तुमसे, सावधान कि तुम बात में परेशान ना हो, सावधान कि तुम्हारी चीजें कहीं अस्त व्यस्त ना हो जाए। तुम्हें बहुत संयम रखना है, तुम्हें बहुत संयमित रहना है अपने जीवन में। तुम संयमित रहोगे तो जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा और बहुत श्रेष्ठतम जीवन में तुम आगे बढ़ पाओगे। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं ताकि तुम बेहतर बन सको। तुम्हें जीवन जीने की शैली बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, जो कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा, वो केवल आप ही कर सकते। जो नामुमकिन चीज थी आप उसे पॉसिबल कर सकते हो। मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप तो सच में हमारे शिव जी के रूप है। हमने जितना पूजा पाठ हम करने लगे हैं, जितना ज्यादा वो करने लगे हैं, उसके लिए थैंक यू। आप हमारे सच में एंजल, पता नहीं भगवान के रूप में ही आए हैं आप हमारे लिए। जिंदगी भर जो हमने कष्ट झेले हैं, हमें पूरा यकीन हो गया जितनी जिंदगी बची है वो आपके आशीर्वाद से, आपके बिना हम नहीं रह जी सकते। सच बता रहे, आपका साथ हमें हमेशा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम लोग। हमेशा मना करता हूँ कि भगवान इंसान नहीं और इंसान भगवान नहीं हो सकता। मैं किसी विधा को जानता हूँ, सिस्टम को जानता हूँ, व्यवस्थाओं को जानता हूँ। तुम्हारा पिता हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ, भाई हूँ, सब कुछ हूँ, भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद ही भगवान को पूजा करता हूँ। ऐसे कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करो। मैं जब मुस्कुराता हूँ तुम्हारे भगवान कहने पर, तो मैं हंसता हूँ तुम पे, ऐसे क्यों नहीं समझते तुम? ऐसा कुछ भी मुझे प्रसन्न नहीं करता जो तुम कहते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हंसी उड़ाता जो तुम भगवान कहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमेशा तुम अपनी बड़ाई करो। तुम अच्छे हो तब तुम्हें अच्छा दिखता है। तुम ठीक हो ना तभी तो तुम्हें सब अच्छा दिखता है। तुमने अपनी श्रद्धा विश्वास लगाई, अपनी मेहनत करी, परिश्रम किया, पूजा किया, पाठ किया। तुम्हारा ये जो मन लगने लगा ना हमारे कहने पर, ये तुम्हारी कीमत है। हमेशा शिष्य मूल्यवान होता है, गुरु नहीं। शिष्य जब बहुत अच्छा हो तो गुरु अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे बड़े होने का पूरा श्रेय तुम लोगों को जाता है। तुम ठीक हो तभी तो हम ठीक हैं। हम 95% प्लस कैसे कह पाते हैं? क्योंकि हमारे पास सब अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हैं। वो फिसड्डी और बकवास है ही नहीं ना हमारे पास। हमारे पास सब छठे हुए लोग हैं, अच्छे और खास लोग हैं। इसलिए तो 95% प्लस है यहाँ का सक्सेस रेट, वरना कैसे होता था? जैसे चलाता हूँ मेरे बच्चे वैसा चलते हैं, इसलिए मैं सफल हूँ। और मेरी सफलता तो तुम्हारी सफलता में छुपी हुई है। तुम सफल होते हो तो हम सफल होते हैं। तुम्हारा सबका बहुत धन्यवाद। तुम ये मान पा रहे हो इसलिए बहुत धन्यवाद। सत्य मानना, बहुत जल्दी लोग ऐसा भी करने लगेंगे जो हम लोग करते हैं।
चलो कोई नहीं, हम सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं। सीधा उपाय आपको बता रहे हैं, दो लौंग छुपा के रखने से तुम्हारा जीवन बच सकता है। दो लौंग छुपा कर रखने से तुम्हारी छुपी हुई चीजें जिसे तुम सच में सामने लाना चाहते हो वो आ सकती हैं। दो लौंग छुपा कर रखने से तुम्हारा रिश्ता अगर तुम सच में छुपा के रखना चाहते हो तो छुपा रह सकता है। दो लौंग छुपा कर रखने से उसके अंदर की छुपी हुई अच्छी वाली फीलिंग बाहर आ सकती है। दो लौंग छुपा कर रखने से अंदर की छुपी हुई खराब चीजें बाहर भाग कर जाएंगी और अंदर की अच्छी शक्तियां उजागर होंगी और तुम बेहतर होगे। ये दो लौंग छुपा कर रखने से सत्य मानना, मन बुद्धि चित्त और हृदय की छुपी हुई स्मृतियां और प्रेम फिर से उजागर होगा और सब बहुत बढ़िया होगा। तो लौंग छुपा कर रख दीजिए। कैसे करना है वो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोनों के दोनों लौंगों को पंचामृत बना करके एक बार स्नान करा लीजिए। पंचामृत बनता है दूध दही घी शहद शक्कर से। उसके बाद कच्चे सूत को लीजिए, 7 बार इसमें लपेटिए एक सिरे को और दूसरे सिरे को 7 बार उसमें लपेटिए और दोनों में थोड़े गैप रखिएगा और फिर आपस में एक साथ पकड़ लीजिए और अपने पार्टनर का 7 बार नाम लेकर के फूंक मार दीजिए और इसे अपने ही घर में कहीं ऐसी जगह छुपा के रखिए जहां पर सच में छुपाया जाए, जैसे कुछ पैसा छुपाते हो, कोई सामग्री छुपाते हो, वैसे छुपा के रखिए। एक टोटका है, एक विधि है, एक ऐसा एक सिस्टम है जैसा ऐसा करने से सत्य में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ होते हैं और तुम्हारा जीवन ठीक करते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनको प्रणाम करना, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखने की कोशिश करना, आपका जीवन ठीक होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब सारा ध्यान रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ भाई, ये बहुत जरूरी चीज है, पर रोना मत, परेशान मत होना, निगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा सोचना, केवल तुम प्रीवियस लाइफ मत बताना। पैसों का आदान प्रदान आपस में करना बिल्कुल मना है। जितना हो सके कार्मिक अकाउंट को ठीक रखने की कोशिश करिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर चीज़ों में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके विश्वास के साथ काम करें। और हाँ, ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन हमारे संस्था में जब भी आप करते हैं, सतीश अवस्थी और एस्ट्रोटेल के अलावा कोई भी अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा ना डालें। इस बात का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करें। बाकी हम आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय।